हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 11 का प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, नहीं देखे तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिखाइए कि अनुक्रम a, a r, a r² (a^n-1) तथा a, a r² (a r²) के संगत पदों का गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है तथा सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 19 हमने संगत गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़े, क्या होता है संगत श्रेणी, संगत पदों का गुणनफल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ चर्चा हुआ था, लेकिन इसमें भी गुणोत्तर श्रेणी में यानी आपका संगत पदों का गुणनफल का ही चर्चा है। ठीक है, तो क्या होता है इसके बारे में आपको पहले सिखाएंगे। ठीक है, आइए तो पहले तो आप समझिए कि पहला जो अनुक्रम दिया है उसको लिखेंगे। क्या है पहला अनुक्रम? लिखो पहला अनुक्रम, यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिख लो, अच्छा रहेगा, संभाल कर रहे हैं। ठीक है, पहला अनुक्रम क्या है? पहला अनुक्रम है आपका a, a r² (a r²) (a r²)(n-1) है। ठीक है, और दूसरा अनुक्रम है, दूसरा अनुक्रम क्या है? a, a r² (a r²)(n-1) ये पहला अनुक्रम था और ये दूसरा अनुक्रम है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि संगत पदों का गुणनफल, मतलब कि इसका फर्स्ट मतलब पहला पद दोनों को गुणा करेंगे, फिर गुणा में ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर गुणनफल का बात किया है। पिछला क्वेश्चन में जोगफल का बात किया था तो बीच में जोगफल प्लस लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर गुणनफल का बात किए थे, बीच में गुणनफल लगाएंगे, फिर इन दोनों गुणा करेंगे, गुणा फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, मतलब इसके पहला इसके पहला, इसके दूसरा इसके दूसरा, इसके तीसरा इसके तीसरा। ठीक है, चलिए कराइए संगत पदों का गुणनफल, संगत पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका? संगत पदों का गुणनफल हो जाएगा a × a। ठीक है, कोमा फिर a r × a r, फिर a r² (a r²), फिर (a r²)(n-1) (a r²)(n-1). ठीक है, चलिए इतना तो हम लोग समझ गए, संगत पदों का गुणनफल करा दिए। अब हम ये देखेंगे हमको बताना क्या है, सार्वनुपात बताना है। इसको चेक करेंगे कि जीपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो जीपी में होने के लिए सार्वनुपात क्या होना चाहिए? सबका सेम होना चाहिए। एक कंडीशन आप लिख लीजिए, जब आपको सार्वनुपात निकालना है, आर का मान निकालना है, तो आर का मान तब आ सकता है जब गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी में होने वाले, ठीक है, जीपी में होने के लिए लिखिए, जीपी में होने के लिए सार्व अनुपात एक समान होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको बात पता है। चलिए इसका क्या करेंगे, हम सार अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालते हैं सार अनुपात? कैसे निकालते हैं आर? हम निकालते हैं कैसे कि दूसरा पद बटा पहला पद बराबर तीसरा पद बटा दूसरा पद बराबर होगा, तो हम समझ जाएंगे कि सार अनुपात हमारा आर का मान ठीक है और ये गुणोत्तर श्रेणी में है भी। ठीक है, तो चलिए आर बराबर क्या करेंगे, a2/a1 = a3/a2। चलिए क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा, a2 का मान है a r × a r / फर्स्ट पद a × a बराबर, सेकेंड है a r² × a r² / सेकेंड है a r × a r। कटाइए तो a से a कट गया, बड़ा a से बड़ा a कट गया, छोटा a से छोटा a, r से एक r कट जाएगा, एक r बच जाएगा, a से a कट जाएगा, r से एक r बच जाएगा, यानी हमारा r बराबर, देखो एक छोटा r और एक बड़ा r,
यहाँ एक छोटा आर एक बड़ा आर, देखो तो आर का मान क्या, दोनों सेम है यानी गुणोत्तर श्रेणी में भी है और हमारा आर का मान क्या आ गया, आर 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 आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सार अनुपात कहते हैं ना आर को, तो लिख सकते हैं कि सार अनुपात यानी आर बराबर आ गया हमारा छोटा आर बड़ा आर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को थोड़ा समझना था और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को समझना था क्या होता है संगत पदों का गुणनफल। और एक बात, आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 में किए थे गुणनफल की जगह सिर्फ जोगफल, तो हम बीच में क्या करते थे प्लस लगा रहे थे, इसमें गुणनफल है तो गुणनफल किया, मतलब 19 और 20 एक ही जैसा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपका एक क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो। क्या करना है, ऐसे चार पद ज्ञात करना है जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। ये आपसे कहा गया है, तो पहले जो क्वेश्चन में कहा गया उसको लिखिए और समझिए। ठीक है, देखिए इसका कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो बोला है कि जीपी के चार पद बताना है, ठीक है ना, जीपी के चार पद का बात किया है, तो पहले जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी, जीपी के चार पद, तो जीपी के चार पद क्या है, ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यू। ठीक है, ये हमारे जीपी के चार पद होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, अब उससे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहा है कि जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है, किसका, आपको यहाँ बताया गया होगा ना, जिसका तीसरा पद, देखिए तीसरा पद जो है प्रथम पद से क्या है 9 अधिक है। ये जो आपका तीसरा पद है, पहला है दूसरा है तीसरा है, यानी जो तीसरा पद है ये आपके प्रथम पद से कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो जो कहा गया है क्वेश्चन में उसको लिखिए, क्या कहा गया है कि तीसरा पद, यानी तीसरा पद कहने का मतलब ए आर स्क्वायर, जो ये तीसरा पद है प्रथम पद क्या है ए, इससे कितना अधिक है 9 अधिक है, तो इसमें 9 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि प्लस धराएगा तो माइनस, यानी ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9, इसको कर लो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब चलिए, अब आगे बोला है तथा दूसरा पद, चलिए दूसरा पद कहने का मतलब ए आर, तो यहाँ पर तथा यहाँ लिख लो, तथा मतलब ए यहाँ पर इतना कहा था तथा का था, तथा कर लिए। अब दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है ए आर, तो ए आर बराबर है चौथे पद से 18 अधिक, चौथा पद क्या है ए आर क्यू, इससे कितना अधिक है 18, तो प्लस 18 कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस रहेगा तो माइनस, यानी ए आर माइनस ए आर क्यू बराबर 18, इसको समीकरण सेकंड कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग दे देंगे, दीजिए तो यहाँ से हमारा आर का मान या ए का मान आएगा, चेक करके देखते हैं समीकरण फर्स्ट बाई सेकंड से। फर्स्ट क्या है, ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9, ठीक है, अब बाटा ए आर माइनस ए आर क्यू बराबर 18। तो कटाने वाला कटाओ, तो पहले देखो ये दोनों में कॉमन क्या मिलेगा ए, क्या बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 अब बराबर 9, अब बाटा इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा ए आर, तो यहाँ से देखो तो यहाँ से हमारा बच जाएगा कुछ नहीं तो 1, और यहाँ से हमारा माइनस क्या बच जाएगा माइनस आर क्यू, आर क्यू क्या आर स्क्वायर अब बराबर 18। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ऊपर ज्यों का त्यों ए आर स्क्वायर माइनस 1 अब बराबर है 9। ठीक है, अब ये देखो ऊपर में आर स्क्वायर माइनस 1 है, दिख रहा है ना सबको, आर स्क्वायर माइनस 1 है, नीचे 1 माइनस आर स्क्वायर है, तो क्या करते हैं ना कि माइनस यहाँ कॉमन लेकर के, यहाँ पर माइनस कॉमन लेके ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस, यानी दोनों ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए, तो जैसे ही हम माइनस कॉमन लिए तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो माइनस है तो प्लस बन गया, ये प्लस था तो माइनस बन गया बराबर 18। तो ए से ए कट गया, आर स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 1 कट गया, 9 दूनी 18, यानी हमारा आ गया 1 बटा माइनस आर बराबर 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो माइनस आर से और एक से करेंगे तो माइनस आर,
और दो से एक से करेंगे दो, ये माइनस आ जाएगा, तो गुना कर रहा ना तो जाएगा, तो इधर ही माइनस लग जाएगा, तो आर का मान कितना गया माइनस टू। ठीक है, कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस ना, नहीं वो जोड़ घटाओ में जब माइनस प्लस रहता है तब चेंज होता है, लेकिन गुना में भागा में रहता है तो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ आर में माइनस क्या कर रहा है गुना, इसलिए चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, आपका जो समीकरण फर्स्ट है यहाँ पर या सेकेंड है, तो किसी एक में आर का मान जब रख देंगे, ठीक है ना, जब आर का मान आप रख देंगे तो आपका ए का मान आ जाएगा। तो रखिए, तो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में आर का मान देने पर, ठीक है, आर का मान दीजिए, क्या है आर का मान आपका, आपका आर का मान है माइनस दो। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कि क्या है ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर नौ, तो ए का ए, आर का मान है माइनस टू का स्क्वायर माइनस ए बराबर नौ, तो यहाँ से दो दूनी के चार हो जाएगा, यानी और ऐसे करेंगे तो फोर ए माइनस ए बराबर नौ, फोर ए में से जाएगा थ्री ए बराबर नौ, ए गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, यानी ए बराबर नौ बटा तीन, कट जाएगा तो तीन आ गया, यानी ए का जो मान आ गया हमारा तीन आ गया। ठीक है, अब देखिए आर का मान आ गया माइनस दो, ए का मान आ गया तीन, और आपसे बोला कहा गया है कि ऐसे चार पद ज्ञात करना है किसका गुणोत्तर श्रेणी में हो, मतलब कि चार पद बताना है और गुणोत्तर श्रेणी में होना चाहिए। तो आपको ए और आर का मान पता चल गया तो आप क्या करिए कि चार पद में, इसमें ए और आर है ना, ए आर स्क्वायर आर की, इसमें ए और आर का मान रख देंगे तब पर चार पद आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर जीपी के चार पद, जीपी के चार पद क्या हैं, ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, ए का मान क्या है तीन है, ए आर तीन है और आर का मान माइनस दो है, ए का मान तीन आर का मान माइनस दो का स्क्वायर, ए का मान तीन और आर का मान माइनस दो तो पावर क्यू, तीन का तीन, तीन से माइनस दो से माइनस छः, माइनस दो से दो बार करेंगे तो प्लस चार हो जाएगा, चार से और बारह से बारह, और माइनस दो को तीन बार करेंगे माइनस दो गुना माइनस दो गुना माइनस दो माइनस आठ, और तीन से करेंगे चौबीस। ठीक है, तो हमारे जीपी के चार पद यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारे चार पद ना, ये चार पद, तो यही हमारा जीपी के चार पद बोला गया था क्वेश्चन में और हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो बहुत ईजी होते हैं जीपी के प्रश्न, ठीक है ना, बस आप लोग को थोड़ा समझना होता है और फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और समांतर श्रेणी जिनका अच्छा है ना तो उनके लिए तो जीपी बहुत तेजी ही हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही बेस पर है। ओके, वहाँ पर डी पढ़ते हैं, यहाँ पर आर पढ़ते हैं, सार्वनुपात पढ़ते हैं, वहाँ पर सार्वंतर पढ़ते हैं, बात यही है, वहाँ पर प्लस माइनस करते हैं, गुना भागा करते हैं, दोनों में ही डिफरेंट है और बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है ना, बहुत ईजी चैप्टर है, हम इतना मतलब क्या कहें, आप लोग खुद समझ रहे होंगे। ठीक है, तो जीपी बहुत ईजी है, बस आप लोग को ध्यान देना है, बस आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है, सारे चीज़ आप लोग को समझ में आएंगे, और हम जब तक हैं आप लोगों को हमेशा हेल्प करते रहेंगे। YouTube पर मेरा मकसद ही है आप लोगों का हेल्प करना। ओके, और एक बात, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जितना हो सके शेयर करिएगा। ठीक है, जितना हो सके दोस्तों को शेयर करिए, जितना हो सके आप लोग हेल्प करिए, जैसे हम आप लोग हम हेल्प कर रहे हैं उसी तरह के आप लोग अपने दोस्त को भी हेल्प करिए। ठीक है, मेरा YouTube पर सिर्फ मकसद है कि आप लोग को हेल्प करना, और जो भी आप लोग क्वेश्चन अदर टॉपिक भी पढ़ना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप लोग व्हाट्सअप मतलब कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हाँ सर ये टॉपिक पढ़ना है, तो उसको भी हमारा टाइम मिलेगा तो आप लोग को जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, और मैथ में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाओ, ठीक है, ताकि अच्छा ही रहेगा, आप लोग को हमेशा हेल्प करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग को डाउट क्लियर करते रहेंगे। ओके, जितना टाइम मिलेगा उतना आप लोग को हेल्प करते ही रहेंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आप लोग से अब बात करने से कोई फायदा होता नहीं है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पियवा कियवा तथा आरवा पद क्रमशः ए बी तथा सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए के पावर क्यू माइनस आर इंटू बी के पावर आर माइनस पी इंटू सी के पावर पी माइनस क्यू बराबर एक। मेरे दोस्त, ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी से प्रश्न है, जस्ट ऐसा ही हम लोग प्रश्न समांतर श्रेणी में भी ऐसा ही किए थे। ठीक है, तो उसी के बेस पर ए भी है, बस थोड़ा सा ये गुणोत्तर श्रेणी में है, वो समांतर श्रेणी में था, लेकिन बनेंगे दोनों एक ही जैसा। ओके, तो बहुत ईजी है, ये भी आप लोग समझना, ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको समझाने की हम कोशिश
कर रहे हैं। ठीक है, पहले देखिए पीवा पद जो है आपको दिया है ए, क्यूवा पद है जो दिया है बी, और आरवा पद जो दिया है सी, इसको पहले लिखेंगे। लेकिन देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि पहला पद यानी प्रथम पद इसका क्या है और सार्व अंतर क्या है, इसको यानी सार्व अंतर नहीं सार्व अनुपात क्या है। सार्व अंतर हम लोग समांतर श्रेणी में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे सार्व अनुपात। ठीक है, तो माना कि गुणोत्तर श्रेणी यानी जी पी का प्रथम पद एक्स तथा सार्व अनुपात वाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों आपने सर यहाँ प्रथम पद हमेशा ए मानते थे और सार्व अनुपात आर मानते थे, लेकिन आपने यहाँ चेंज कर दिया कि प्रथम पद एक्स और सार्व अनुपात वाई कर लिए। तो देखिए मेरे दोस्त, हमने इसलिए ऐसा किया कि गुणोत्तर श्रेणी यानी में जो जो चीज़ पहले यूज कर लिया जाता है तो उसको फिर हम दोबारा मान नहीं सकते हैं। जैसे देखो, हम हमेशा प्रथम पद ए मानते थे तो यहाँ पर प्रश्न में ही पहले से ए बी सी मान चुका है, तो इसलिए हमने क्या सोचा कि प्रथम पद को एक्स मान लें। ठीक है, अब देखो सार्व अनुपात आर इसलिए नहीं माने कि यहाँ पर देखो सार्व अनुपात आपको आर का चर्चा पहले ही कर दिया गया है, इसलिए हम लोग सार्व अनुपात को वाई मान लेंगे, और कोई इसका कंडीशन नहीं है। मतलब कि सीधा सी बात है, जो चीज़ यूज कर लिया गया है उसको फिर से हम यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, बस यही बात है। अब चलिए, आपका पीवा पद क्या दिया है, पीवा पद दिया है ए, तो इसको लिखिए पीवा पद क्या दिया है ए। अब यहाँ पीवा पद कहने का मतलब क्या, इनवा पद पढ़े हैं ना, यहाँ आपको रफ में बताते हैं। जब आपसे पूछते हैं कि इनवा पद का फार्मूला जीपी में क्या होगा, तो क्या बताते हैं, ए आर के पावर एन माइनस वन, ये बताते हैं ना। उसी तरह यहाँ पीवा पद है तो यहाँ एन का जगह पी कर दो तो एन का जगह क्या हो जाएगा, पी, बाकी सब तो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से पीवा पद क्या हो जाएगा, यहाँ से पीवा पद हो जाएगा एक्स वाई के पावर एन माइनस वन। ये एक्स वाई क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद ए है और सार्व अनुपात आर है, लेकिन हम तो माने हैं प्रथम पद एक्स, तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे एक्स, और आर के जगह पर क्या लिखेंगे वाई, थे हमने वाई लिखा है इसलिए। ओके, हम लोग माने हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। अब बराबर ए, इसका काम हो गया। अब चलिए क्यूवा पद क्या दिया है, बी दिया है, लिखिए क्यूवा पद क्या दिया है बी। तो क्यूवा पद कहने का मतलब क्या, इसी तरह से एक्स वाई के पावर, अच्छा एन नहीं होगा यहाँ पर, जब एनवा पद होता था तो एन माइनस वन होता, लेकिन पीवा पद तो यहाँ पर पी होगा, ये मिस्टेक मत करना आप लोग भी। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा है, क्यूवा पद यहाँ पर क्यू माइनस वन बराबर बी। ठीक है, अब चलिए अब दिया है आपका आरवा पद, आरवा पद कितना दिया है, आरवा पद दिया है सी। आरवा पद कहने का मतलब एक्स वाई के पावर आर माइनस वन बराबर सी। अब चलिए, अब आपका जो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर एक, ये है आपका एल एच एस और ये है आर एच एस, हम चलेंगे एल एच एस से। चलिए तो एल एच एस से क्या है, ए के पावर क्यू माइनस आर इंटू बी के पावर आर माइनस पी इंटू सी के पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, हम एल एच एस से प्रूव करना चाह रहे हैं, तो एल एच एस हमने लिख लिया। अब ए, ए का मान क्या है, देखो तो ए का मान हमारा इतना है, तो इस एक जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो लिखिए एक जगह पर एक्स वाई के पावर पी माइनस वन, आइस का पावर है क्या क्यू माइनस आर, तो हमने लिख लिया इंटू बी, बी का मान क्या है एक्स वाई के पावर क्यू माइनस वन, तो लिखो एक्स वाई के पावर क्यू माइनस वन, इसका पावर है आर माइनस पी। ठीक है, इंटू सी, सी का मान क्या है एक्स वाई के पावर आर माइनस वन, तो लिख लो एक्स वाई के पावर आर माइनस वन, और इसका पावर हो जाएगा पी माइनस क्यू, है ना, तो पी माइनस क्यू। ठीक है, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत तेजी है प्रश्न, आप लोगों को सिर्फ ध्यान देना है। अब यहाँ देखो एक्स तो सिंगल है, सिर्फ वाई के पावर पी माइनस वन है, यहाँ भी वाई के पावर क्यू माइनस वन है,
वाई के पावर आर माइनस वन है, मतलब सिर्फ वाई पर पावर है, ठीक है, लेकिन एक्स पर कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब ब्रैकेट लगा है तो यानी एक्स वाई दोनों के पावर एक क्यू माइनस आर काम कर रहा है, यहाँ भी दोनों में काम कर रहा है, यहाँ भी दोनों में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पी माइनस वन है सिर्फ वाई के लिए है, क्यू माइनस वन सिर्फ वाई के लिए, आर माइनस वन सिर्फ वाई के लिए, लेकिन जो बाहर में जो पावर वाला ऊपर वाला सबसे जो लगा है ये दोनों के लिए है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स के पावर, पावर में है ना क्यू माइनस आर, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू है ना, इंटू मतलब गुना है, वाई गुना कर दिए। अब देखो वाई के पावर क्या है, पी माइनस वन, पी माइनस वन, और इसका भी पावर क्या है, क्यू माइनस आर है, इसको लिख लिया ऐसे, इंटू एक्स के पावर क्या है, आर माइनस पी, तो आर माइनस पी गुना वाई के पावर क्या है, वाई के पावर क्यू माइनस वन है, और इसका पावर क्या है, आर माइनस पी गुना, ठीक है, इंटू मतलब गुना ही होता है। एक्स के पावर क्या है, पी माइनस क्यू, तो लिख लो एक्स के पावर पी माइनस क्यू, और उसके बाद गुना वाई के पावर आर माइनस वन, यानी वाई के पावर आर माइनस वन, और इसका पावर है पी माइनस क्यू, तो हो गया पी माइनस क्यू, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, सबका बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बेस लिख लेंगे और पावर को जोड़ दो, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, अगुना वाई वाला कुछ कर लो, ए भी वाई ए भी वाई ए भी वाई, सबका बेस सेम है तो बेस लिख लिया और पावर को क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो पहले तो पी माइनस वन क्यू माइनस आर को गुना कर दो क्योंकि इंटू में है, तो पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, अब फिर क्या कर देंगे, सबको पावर जोड़ना है ना, तो प्लस यहाँ भी उसी तरह से क्यू माइनस वन आर माइनस पी, और फिर प्लस यहाँ से फिर आर माइनस वन और पी माइनस क्यू, ठीक है, ये सब तो आप लोग आता ही होगा, बेस से में तो पावर को जोड़ते ही हैं। अब देखो जो कटने वाला है कटाओ, देखो तो यहाँ पर माइनस आर है प्लस आर है कट जाएगा, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है कट जाएगा, ये प्लस पी है माइनस पी है कट जाएगा, यानी सब कट करके क्या आ गया, एक्स के पावर जीरो अगुना वाई। अब यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ा समझना, ये पावर में भी मल्टीपल में है तो इसको क्या कराएंगे, गुना करा देंगे, तो पी से और क्यू से कराएंगे तो हो जाएगा पी क्यू, फिर पी से और माइनस आर से करेंगे तो हो जाएगा पी आर, फिर माइनस क्यू से और क्यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्यू यानी माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्यू से और माइनस आर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अच्छा अच्छा गलत नहीं ना हो रहा है, यहाँ पर देखो p माइनस वन है दोस्त, q नहीं है वन है, ठीक है ना, यहाँ पर p माइनस वन है, तो p से और q से करेंगे पी क्यू, फिर p से और r से करेंगे पी आर, फिर माइनस वन से और q से करेंगे तो माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस वन से माइनस आर से करेंगे तो प्लस आर होगा, प्लस q से और r से करेंगे क्यू आर, क्यू से और माइनस पी से करेंगे पी क्यू, फिर माइनस वन से r से करेंगे माइनस आर, फिर माइनस वन से माइनस पी से करेंगे प्लस पी प्लस, फिर आर से पी से करेंगे आर पी, फिर आर से माइनस क्यू से करेंगे आर क्यू, माइनस एक से पी से करेंगे माइनस पी, माइनस वन से माइनस पी क्यू से करेंगे माइनस माइनस प्लस क्यू हो गया। ये देखो तो कट रहा है कि नहीं, ये पी क्यू प्लस है ये माइनस पी क्यू है कट जाएगा, माइनस पी आर है और यहाँ पर माइनस पी आर पी आर पी आर कहीं है क्या, यहाँ आर पी का हो चाहे पी आर का हो बात एक ही है, प्लस माइनस कट गया, ये प्लस आर है और यहाँ पर आपको माइनस आर है, ये प्लस क्यू आर है यहाँ पर माइनस क्यू आर है, कहाँ पर आपको माइनस क्यू आर कहाँ दिखाई दिया था, हाँ आर क्यू को चाहे क्यू आर को बात देखी है, यहाँ पर प्लस पी है ये माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है यहाँ पर माइनस क्यू है कट गया, यानी यहाँ भी क्या बच गया, यहाँ तो एक्स के पावर जीरो आया ही था और यहाँ भी कट के वाई के पावर जीरो आ गया, तो किसी के पावर जीरो क्या होता है एक अगुना वाई के पावर जीरो, यानी किसी के पावर एक क्या होता है जीरो क्या होता है एक, एक से एक से गुना करेंगे, ये हमारा देखो प्रूफ हो गया, हमने आर एच एस को प्रूफ कर दिया, ओके देख लो इतना बराबर हमको इतना प्रूफ करना था, हमने एल एच एस से चाला और धीरे 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 करके हमने एक ला दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह प्रश्न, ठीक है, तो यहीं तक इसको समाप्त करते हैं और अगले वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।